जैसा कि आप आज नगरपालिका आंवला के सभागार के पास जो बैठे हैं, किस मामले को लेकर बैठे हैं? ये नगरपालिका से संबंधित ही मैटर है और इसको हम लगभग 1.5 वर्षों से प्रयासरत हैं। तमाम सबूत हमने दे दिए और हमने वो सबूत आपको भी दे दिए हैं। आप हमारी जो खबर जो है आप नए सबूत से बताइए, इससे हमारा पूरा समाज, पूरे प्रशासनिक अधिकारी उसको देखें। हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे माननीय और इतने प्रिय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में, यानी कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अधिकारी गण जो हैं इसको समझ के आ रहे हैं। इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं। जब सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है, टेंडर भी हो चुका है, तो एक ऐसा प्रकरण जो है मोहल्ला लठेता का है, जिसमें जो है खरंजा डालने के लिए सब कुछ होने के बावजूद भी रोजाना टरकाया जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या ऐसा कारण है, ना हमें कुछ बता रहे हैं ना हमारे कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से ताड़गंज के एक चक्रोड के मामले के लिए, कितने समय पे पुराना मामला है ये मामला तो बहुत वर्षों पुराना है, लेकिन 1.5 साल से तो हम रोजाना ये प्रयास कर रहे हैं कि देखिए साहब ये चीज़ है। इसमें जो नक्शा आपका सन 1932 से आपके यहाँ दर्ज है, उसके बावजूद भी अब इस समय नहीं पता कि किसकी जो है। बोलो फिर क्या हुआ? इतने तमाम सबूत देने के बाद भी जी ये हमारे कार्य नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए लाचार और मजबूर होकर के हमें जो है यहाँ आज अनशन पर बैठना पड़ा है। और ये अनशन हमारा फिलहाल अनिश्चितकालीन है। अगर इस समस्या को इन्होंने हमारा शीघ्र नहीं पूरा किया तो ये आमरण अनशन में बदलेगा और उसके बाद जो हमें बन पड़ेगा वो हम करेंगे। रोड भी रोक सकते हैं, जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं। हमारा नीरज सिंह है। कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 22 मोहल्ला लठेता। क्या मामला है जो नगर पालिका में आप आए हो आज? नगर पालिका में हमारे घरों के सामने कच्ची रोड है जी। मतलब कच्ची जगह है, उसमें नालियाँ हैं, सबकी पर नाले हैं, कीचड़ बनी रहती है, गंदगी है इतनी, सभी लोग अपने गोबर वगैरह इतनी गंदगी कर रखी है जी। रास्ता निकलना मुश्किल है। तो हमने अपने सभासद महोदय से प्रार्थना की थी। क्या नाम है सभासद महोदय का? वो नगर सभा। क्या नाम है सभासद महोदय? सभासद सीमा है जी। उन्हें हम जानकारी दी जी कि हमारे यहाँ पर ये पक्का रोड बन जाए तो वो रास्ता नहीं निकलने को, तो उन्होंने कानूनी रूप से इसे जांच करवा कर पूरी जगह को नगर पालिका ने जांच पर रखकर इसको रोड को पास करा दिया जी। अभी उसका टेंडर हो चुका है। टेंडर होने के बाद आप 2-3 महीने हो गए और अभी भी रोड का कोई काम नहीं हो रहा है। कभी कोई ठेकेदार को फ़ोन कर देता है फिर रोड ना बनाओ, लेकिन यह कारण किसी ने नहीं बताया। जगह नगर पालिका की स्वयं की है, सबके खिड़की दरवाजे मतलब 100 वर्ष पहले से लगे हुए हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं बताता नगर पालिका क्या वजह है क्यों रोड नहीं बना रहे हो। और हम लोग बीमारियाँ, घर घर में बीमारी फैली पड़ी है, तमाम गंदगी फैली पड़ी है, पक्का रोड बना नहीं रहे अभी। अब आप क्या चाहते हैं? पक्का रोड निर्माण चाहते हैं और क्या। आज जो आप नगरपालिका सभागार के नगरपालिका गेट के सामने आए हुए हैं, किस समस्या को लेकर यहाँ आए हुए हैं बताइए? समस्या ये हमारी कुंजी चक्रोड है, ये सरकारी चक्रोड है, ये 283 नंबर में दर्ज है और वो 50 साल से लोगों ने तोड़ रखा, अपने खेतों में मिला रखा है। सारे गांव के चक्रोड पड़ गए, ब्रेकफास्ट बोलते हैं डलवा दिए सब, केवल यही चक्रोड एक रह गया था जिस पर जो है न ब्रेकफास्ट डलवा रहे हैं न इसमें चार डाल रहे हैं। सरकारी चक्रोड है जबकि सरकार को ये वो अधिकार है कि जहां सरकारी चक्रोड है, जहां सरकारी नक्शा में है, उसे अपने आप डलवा लेना चाहिए। लेकिन 1.5 साल से 2 साल से हम परेशान, उन्हें रोज दरख्वास्त कभी एच डी एम को, कभी डी एम को, कभी किसी को, उधर देखते रहा है, चले आ रहे हैं, कर रहे कर, लेकिन आज तक किसी ने समाधान नहीं किया, वो चक्रोड निकाला नहीं किसी ने आज। अब आप क्या चाहते हैं? भाई हम तो यही चाहते हैं कि जो सरकारी चक्रोड है, संपत्ति है, वो पढ़ना चाहिए, वो किसी का नहीं है। भारतीय किसान यूनियन संघ का।
भारतीय किसान यूनियन संघ का, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी तो नहीं लड़ाई है, अरे हाँ लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई।